वेलकम बैक खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खबर शामिल करेंगे कोर्ट रद्दू से, जहां पर चौक सर्वे टिम्बर माफिया बेलगाम टिम्बर माफिया लाखों रुपए मालियत के सरकारी दफ्तरों का सफाया करने लगा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत टिम्बर माफिया के एक रुकन को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लैया सैयद असद इमरान शराजी और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर लैया अमजद नदीम रोंगा, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्वर शहीद अदनान गुजर अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और इलाका मकीनों और अपने मुतलका अमले से गुफ्तगू की और लाखों रुपए मालियत की काटी गई सरकारी लकड़ी को तहवील में लिया। इस बारे में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लैया असद इमरान शराजी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ऑफिसर थाना रशीद पुलिस ने माफिया के खिलाफ कई का आगाज कर दिया। समाजी हलकों ने मलबा किया है कि टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाए और सरकारी दरों को बचाया जाए। खैरपुर में पुलिस अमन अमान को करार रखने में मुकम्मल नाकाम हो गई। डू मस्ती थाने की टिप से मुबैना तक वाह होने वाले मामा और भांजा डाकुओं के कब्जे से अपना हो सके। गांव वाली मोहम्मद के रहायशी मामा और भांजा को अगवा हुए 7 दिन गुजरे, मगर डाकुओं के कब्जे तहाल अभी तक से अपना हो सके। मुख्तियार कांडू और इसका भांजा मसूद कांडू को याद करने के लिए डाक की जानिब से मगवियों की से 8 लाख रुपए तावान मांगा गया। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस हमारे नौजवानों को बासियाब करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुतासरीन ने वजीर आजम इमरान खान, IGCN, DIG सकर समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा है कि डाकुओं के कब्जे से हमारे दोनों नौजवानों को बासियाब करवाया जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर से, जहां सास कफालत प्रोग्राम का सर्वे करने वाली टीम गरीब और बेसहारा बेवा औरतों को खुलेआम लूटने लगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे रौसेद अंजुम से। जी रौसेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम का सर्वे करने वाली टीम गरीब और बेसहारा बेवा औरतों को खुलेआम लूटने लगी। दीपालपुर रताखाना रोड पर एहसास कफालत सर्वे टीम की बदमाशी, गुंडागर्दी, लूटमार सरेआम करने लगी। जोरत इस टीम को 2000 एडवांस इनको देगी, वो एहसास कफालत की रकम की अहल होगी। जो नहीं देगी वो एहसास कफालत की रकम की ना अहल होगी। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गरीब बेसहारा बेवा औरतों की पुकार पर जब 91 न्यूज की टीम के ब्यूरो चीफ पंजाब हुसैन लकी एहसास कफालत सर्वे ऑफिस पहुंचे और इनके इंचार्ज से बात करने की कोशिश की तो 91 न्यूज ब्यूरो चीफ पंजाब हुसैन लकी की टीम को गलीज गालियां दी, कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरा तोड़ दिया गया और जान से मारने की हुसैन लक्की को धमकियां दी गई। आला हकाम से फौरी पर नोटिस लेने की अपील DPO ओकाड़ा RPO साहिवाल से कि ऐसे मुल्जमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया रौसेद अंजुम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। तांदीवाला के नवाही गांव चेक नंबर 393 गावे में ईद उल अजहा की खुशी में ईद के दूसरे दिन भी SL क्रिकेट लीग का आगाज BSL लीग का इनेकाद शाह नवाज पेट्रोलियम के ऑनर राय अली खड़ ने किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहूर सियालवी से। जी जहूर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, BSL क्रिकेट लीग का इनेकाद शाहनवाज पेट्रोलियम के ऑनर राय अली खरल साहब कर रहे हैं। इस क्रिकेट लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें राय सुपर किंग्स, विक्स क्लब, मारखोर क्लब, जलमी क्लब, सुल्तान क्लब और ईगल क्रिकेट क्लब शामिल हैं। BSL क्रिकेट लीग का पहला इनाम 50,000 रुपए और दूसरा इनाम 25,000 रुपए है। इस लीग में दूसरे शहरों से भी खिलाड़ियों की शिरकत होगी, जिनमें मुदस्सर धोनी उकाड़ा से, राय राशिद अली, एलीट फोर्स अफीसर उकाड़ा, राय आबिद अली, राय अमजद अली, नौमान नियाजी और सरमद जकी शामिल हैं। BSL के चीफ ऑर्गेनाइजर राय अली खरल ने कहा कि आने वाले तमाम बाप हमारे लिए मुअज्जज हैं और तमाम आने वाले मेहमानों को दिल की राहगिरियों से खुश आमदीद कहते हैं। ज़हूर सेलवी, RNN न्यूज, तांदलियावाला। बहुत शुक्रिया ज़हूर सेलवी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं खुशाब वापचा कॉलोनी से, जहां 6 दिन कबल वहाब अली 22 साल नौजवान बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जो 3 बहनों का इकलौता भाई था। मकतूल लंगरवाला पुल पे दोस्त से मिलने इसके घर गया। गुलाम मुर्तजा दोस्त ने बेदर्दी से सर पर फायर मारने के बाद खुदकुशी का रंग दे दिया। वहाब अली के वालिद ने FIR दर्ज करवाई, लेकिन मुकामी पुलिस भी मुलजमान से मिलकर खुदकुशी का रंग दे रही है। वहाब अली का वालिद गरीब मजदूर रक्षा ड्राइवर है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बजदार, RPO DPO खुशाब से इंसाफ की अपील की है कि मेरा इकलौता बेटा 3 बहनों का भाई जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, हमें इंसाफ फराहम किया जाए।
लोधरा में डीपी अब्दुल रऊफ बाबर की ईद उल अजहा मुहर्रमुल एहराम की सिक्योरिटी के मुतालिक जुमला पुलिस अफसरान जिला हजार से मीटिंग, ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान जारी। मीटिंग में एसटीपीओज, एसएचओज, मुहर्रान और दीगर दफ्तरी स्टाफ ने शिरकत की। ईद उल अजहा पर दाखिल खारजी रास्तों और दीगर मकाम पर 21 नाकाजात लगाए गए हैं। ईद उल अजहा पर जिला भर के 237 मकाम पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। 50 मकाम एक कैटेगरी, 79 मकाम को बी कैटेगरी और 108 मकाम को सी कैटेगरी में रखा गया। पुलिस अफसरान में 4 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर, 31 सब इंस्पेक्टर, 57 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 50 हेड कांस्टेबल और 532 कांस्टेबल शामिल हैं। अगर हुकूमत इजाजत दी तो पार्क्स और तफरीह मुकाम पर भी सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई जाएगी। गुजरांवाला प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सईद अहमद भट्टी ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए फनी तालीम बहुत जरूरी है। हुनरमंद फर्द की हर जगह कदर होती है। आम तालीम के निस्बत तालीम हासिल करने वाला जल्द रोजगार हासिल कर लेता है। इन हालात का सहार उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मुनक्कदा तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। कबल अजीम प्रिंसिपल कॉलेज सईद अहमद भट्टी ने इन्हें कॉलेज बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी को तुलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ आर्टिकल्स दिखाए गए। नवाज अहमद बाजवा ने तुलबा की फनी सलाहियत को सराहा और इंस्ट्रक्टर्स की तारीफ की। मेम्बर आईएसी इंजीनियर मियाँ मोहम्मद उस्मान भी इनके हमराह थे। मेहमान आने ग्रामी ने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और कॉलेज की कारकर्दगी पर सारे इत्मीनान किया। सीबी में वाल्मीकि बरादरी के मखी अमर चंडाल ने कहा कि सेनेटर धनेश कुमार पलियानी ने वाल्मीकि बरादरी के लिए तारीख रकम कर दी। ऑल बलोचिस्तान वाल्मीकि बरादरी ने वजीर अला बलोचिस्तान श्याम कमाल खान अलियानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत हमारे वाल्मीकि बरादरी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। इस हुकूमत ने ऑल अकलीती बरादरी के लिए जितने काम किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, लेकिन खासकर इस हुकूमत में और धनेश कुमार पलियानी ने जिस तरह वाल्मीकि बरादरी के लिए काम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। वाल्मीकि बरादरी के मुखी अमर चंडाल, चौधरी रमेश, चौधरी चांद भगत, मराज शकील कमर, दिलीप कुमार, रामदास और दिगर ने कहा कि वाल्मीकि बरादरी को गुज़श्ता 73 सालों से नजरअंदाज किया जाता रहा था, मगर गुज़श्ता 3 साल से वज़ीर आला जाम कमाल आए हैं। उन्होंने हमें वाल्मीकि बरादरी को भी बराबरी के हकूक दिए। खबर शामिल करते हैं डचकोट से, जहां रोशनवाला के करीब नामालूम बच्चे की लाश बरामद हुई। जराये के मुताबिक नन्हे फूल की इलाका रोशनवाला के नजदीक से मिली एक बच्चे की लाश बरामद। लाश 2 से 3 दिन के बच्चे की मालूम होती है। तहाल बच्चे की शनाख्त न हो सकी। दूसरी जाने पुलिस ने बच्चे के मुर्सा की तलाश शुरू कर दी। रुक करते हैं डचकोट का, जहां बच्चों के साथ बदफेली का सिलसिला थम न सका। डचकोट थाना सिटी खेत दूध में आसिफ नामी शख्स ने 7 साल बच्चे से बदफेली की। मुतासर बच्चे के वालिद का कहना था कि आसिफ नामी मुलजिम जबरदस्ती अपनी बैठक में ले गया और इसने मेरे बच्चे के साथ बदफेली कर दी। इनका मजीद कहना कि एहसन अली की चीखों पुकार पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, मगर मुलजिम घर से फरार हो गया। मुतासर बच्चे के वालिद ने कहा कि मेरे बच्चे के साथ जुल्म हुआ है। आला हुकाम से इंसाफ की अपील की कि मुलजिम को गिरफ्तार करके करारवा के सजा दिलवाई जाए। अपनी नानी को रसाला लेना आया ते आसफ ने फड़ के गली विचों अपने घर लै गया। बैठक च बुरा भला किया मेरे बेटे ने। ते बेटा मेरा चलांदा सी, रोंदा सी। ते लोगां ने चीखां सुनिया, चीखां पकारां सुनिया, लोग भज्जे नसे, लोगां ने बचाया छड़ाया, ते धमकियां भी लाइया सी मेरे बच्चे नूं। ते इहनूं असीं इही चाहने कि इस शख्स नूं कड़वी तों कड़वी सजा मिले। अपनी बैठ के जाग मरा तू साह बंद किया जाग मरने गंदे काम किए। अहम खबर शामिल करते हैं डचकोट से, जहां उस्ताद ने बच्चे को वॉशरूम जाने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके बायस 14 साल तालिब इल्म बेहोश हो गया। ज़राए के मुताबिक वहशियाना तशद्दुद से तालिब इल्म की बैकबोन में मसला बन गया। हुसैन टांगों से माजूर हो गया। फैसलाबाद के अस्पतालों से जवाब के बाद तालिब इल्म को लाहौर जनरल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। पुलिस थाना डचकोट ने मुलजिम कारी अशरफ वल बहादुर को गिरफ्तार करके छोड़ दिया। तुलबा इल्म हुसैन मदरसा में कुरान पाक हिफज कर रहा था। मेरा बेटा सी हिफज करन भेजदे सी, उन्होंने बहुत मारिया। ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। हसनैन मेरा कजन है, मैं भी उसी मदरसे में पढ़ता हूँ। वो बाथरूम से थोड़ा लेट आया, कार्ड साहब ने उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, बाद में वो बेहोश हो गया। कौन ही मारी कमर में, बाद में वो बेहोश हो गया। फिर भी उसने वो हटा नहीं, सब ने कहा फिर भी नहीं हटा। बाद में उसे अस्पताल लेके फैसलाबाद उन्होंने जवाब दे दिया। अब लाहौर है RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.hd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रोसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम जरूरत की अशिया मिल जाती हैं। और मैं चाहूंगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हो, गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीजें जो है कि जो है दो स्टेप में सारी चीजें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो राना उमर के स्टोर से आता है।
क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का मियार है वो पूरे शहर में उस तरह का मियार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है, ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है। सबसे बड़ी बात ये, हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया, मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।